सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कार के सामने, गाड़ी के सामने कुत्ता मर जाता है, अचानक आ गया, बिल्ली मर जाती है, गिलहरी मर जाती है, चूहा मर जाता है। कई बार तो जंगली जीव आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। देखिए, जो जान जो अचानक आया सामने और मर गया, उसकी मृत्यु का आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पाप तब लगता है जब आप पाप मन से करते हैं। आपकी मनसा तो नहीं थी ना बिल्ली को मारने की, आपकी मनसा तो नहीं थी कि कुत्ता मर जाए, पर अचानक आया और मर गया। वो आपकी इच्छा नहीं थी पर मर गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, मन को तसल्ली दिलाने के लिए आप अपने हाथ से कुछ पुण्य कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। कहते हैं पुराने लोग के बिल्ली मरे तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। बिल्ली की हत्या सोने की बिल्ली बनाकर दान करने से उसका उसका उसकी निवृत्ति होती है। तो अब सोने की बिल्ली आप राम जाने आपकी क्या क्षमता है, पर मैं तो यही कहूंगा कि यदि जानकर मारा जाए, जानबूझकर आपने मारा है, तो फिर उसके लिए पाप है और उसका प्रायश्चित भी है। पर धोखे से मर जाने से हम पांव रखते हैं, चींटियां मर जाती हैं, झाड़ू लगाते हैं, बहुत सारे जीव मर जाते हैं। ये हम जानकर पाप नहीं कर रहे, ये धोखे से पाप हो रहे हैं। और इन पापों के लिए हम सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम जपें, इन्हीं से, इन पापों से हमें मुक्ति मिलती रहती है।